सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे पूरा, बोलते हैं हम लोग का तरफ बड़ा, ये जो क्या बोलते हैं उसको, पूरा दल का रहता है बड़ा बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं बड़ा। तो सबसे पहले हम उड़द दाल को रात भर भिगो कर रख देंगे और सुबह उसे पीस लेंगे। फिर उसको 2-3 घंटे के लिए फॉर्मेट होने के लिए रखेंगे ताकि वो बड़े अच्छे से बने, सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। तो देख सकते हैं उड़द दाल अच्छा से फॉर्मेट हो चुका है। अभी इसमें हम थोड़ी सी सूजी मिक्स करेंगे, मतलब उड़द दाल जितना होगा उसका चौथाई भाग सूजी देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे। सूजी देने से इसका टेस्ट और बहुत ही ज़्यादा आता है। फिर सूजी और उड़द दाल को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसे अभी आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अभी उड़द दाल में प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च इसको डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार। इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लोग हाथ में बड़े नहीं बना सकते तो इसकी मदद से आप बड़े बना सकते हैं, या एक प्लेट लेके उसका पीछे तरफ थोड़ा तेल लगा के उसमें गोल करके बड़े बना सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ लेके बीच में छेदा कर देते हैं और इसको डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देंगे। तो बन गया बड़े। तो इधर कढ़ाई में तेल बैठा दे हैं और यहाँ अभी बड़े बनाएंगे। एक छोटा सा बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं ताकि बड़े बनाने के लिए आसानी होगा। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेके इसे छोटा छोटा या गोल करके उसको बीच में एक छेदा बना लेते हैं। फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं। तो सभी बड़े को हम इसी तरह से बनाएंगे। बड़े को हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। अभी इसको एक बार पलटा लेते हैं ताकि दोनों तरह से अच्छे से पक जाए। तो बड़े अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत क्रिस्पी बना है, देख सकते हैं। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, साइड में रख देते हैं। सेम प्रोसेस में हम सभी बड़े को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बड़े बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। देख सकते हैं पूरा होटल का बड़े से भी बहुत ही अच्छा है। तो बहुत क्रिस्पी बना है और अंदर से भी देख सकते हैं पूरा पक चुका है अच्छे से, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, देख सकते हैं। तो आप लोग भी घर में बना के एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना लिए बोरा, तो अभी खाएँगे।
तो चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं हम लोग चना झोर के साथ खा रहे हैं। इसको सॉस के या साथ या नड़िया चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बनाए हैं। हम लोग चटनी नहीं बनाए हैं और एक दिन बनाएंगे। तो चलो लिभा खा के बता कैसे लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पूरा क्रिस्पी हुआ है ना। हाँ, होटल जैसा लग रहा है कि नहीं? घर का अच्छा लग रहा है, होटल का जैसे तो होटल का बोलो तो ठीक से सजाते भी नहीं, माने होटल से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने ये बोलना चाहती है। हाँ बोला। हाँ वही क्या, होटल का ज्यादा ऑयली रहता है और यहाँ ज्यादा ऑयली नहीं है तो खाने में ठीक है। और टेस्ट कैसे है, होटल से ज़्यादा है कि टेस्ट? हाँ तो घर का जितना भी घर का होता है। तो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी है, पूरा फ्रेश पूरा क्रिस्पी है, देख सकते हैं। खाने में मज़ा भी आ रहा है। खाने में मज़ा भी आ रहा है क्या? खाने में ठीक भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है खाने में, पूरा फ्रेश ना। होटल का थोड़ा ऑयली लगता है। तो इसको हम लोग बनाए हैं क्या, राइस ब्रांड में बनाए हैं तो उतना ऑयली नहीं लग रहा है ना। सुन पा रहे होंगे पूरा क्रंची हो रहा है, साउंड हो रहा है, पूरा परफेक्ट बना है। तो अभी हम लोग नाश्ता खा के जाएंगे डांस प्रैक्टिस के लिए। संडे को सिस्टर लोग का फीस्ट डे है तो सांटे रेसा का, तो अभी मैं प्रैक्टिस के लिए जाऊंगी। और मेरी बेटी भी वो स्कूल गई है, एग्जाम है उसका, तो साथ में आएंगे उधर से। तो चलिए फिर मिलाते हैं आपको स्कूल में।